प्राइम टीवी में मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भावी प्रत्याशी जनता के बीच अपना पक्ष रख रहे हैं और अपने जनाधार को मजबूत करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में निकाय चुनाव की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम राजधानी लखनऊ के फैजुल्लागंज के वार्ड संख्या 4 में पहुंची, जहाँ जनता से वार्ड के विकास कार्यों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। भावी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर अपना जनाधार मजबूत कर रहे हैं और चुनावी वादे को दोहरा रहे हैं। ऐसे में नगर के इस संग्राम की कवरेज के लिए प्राइम टीवी की टीम इस समय फैजुल्लागंज के वार्ड नंबर 4 पे आ पहुंची है और यहां के वार्ड के विकास की कहानी अपनी उस वार्ड की जनता की जुबान से सुनेंगे। क्या कुछ कार्य हुए हैं, क्या कुछ समस्याएँ हैं, जनता से खुलकर इस पर चर्चा भी करेंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? अंश मिश्रा। अच्छा, ये बताओ, वार्ड नंबर 4 के निवासी हो आप? जी, यहीं फजुल्लागंज के। अच्छा, तो यहाँ के वार्ड की कुछ समस्याएं आपको दिखी हैं? हाँ, बिल्कुल दिखी हैं। पहली समस्या तो यहाँ पे रोड के लिए है। रोड के लिए उनसे बोला गया, वहाँ पे जाके हम लोग ने भी अपने तरफ से भी बोला तो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। और एक बार पहले दनीश भास्कर वाले भी आए थे, स्कूल के सामने हुआ था, तो उनके सामने भी यही बात आई कि उन्होंने कहा हमारे पास टाइम नहीं, हम बिज़ी होंगे तब इस मसले पे देखेंगे। और गंदगी तो बराबर बनी ही हुई, आप देख ही रहे हैं। और ये बताओ कि यहाँ पे सीवर उवर की क्या दिक्कत है? सीवर खुले पड़े हुए हैं। आप यहाँ से रोड पे आगे तरफ देखेंगे तो सब आधे ज़्यादा टूटे हुए हैं और खुले हुए हैं। पानी जब भरता है तो ऊपर तक भर आता है जगह जगह। और कॉलोनी में भी सीवर कुछ खास नहीं है, वो तुरंत ही भर जाते हैं, भरे रहते हैं। कॉलोनियों में पक्की सड़कें हैं? नहीं, पक्की सड़कें नहीं, हमारे घरों के आगे पक्की सड़कें नहीं हैं। नालियों की क्या स्थिति है? नालियाँ स्थिति वही से ही पुरानी, टूटी फाटी, जगह जगह तो नालियाँ बनी ही नहीं है, जहाँ बनी है वहाँ पर सही से डेवलप नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जैसे पूरे प्रदेश में डेंगू का कहर था तो फॉगिंग के लिए, लार्वा छिड़काव के लिए लोग आते थे, टीमें आती थी? नहीं, हमारे कॉलोनी के, हमारे मोहल्ले में कभी एक बार भी नहीं आई। आई लेकिन तो नाम बस आई तो रोड से ही निकल गई। अब कितनी बार आ चुकी है? एको बार नहीं आई हमारे जानने में। एक बार आई है, ये एको बार नहीं आई, मतलब एक बार आई है, ज़्यादातर नहीं। और वो अंदर घुस के नहीं गलियों में करते हैं, बाहर बाहर ज़्यादा निकाल, बाहर ज़्यादा करते हैं। हाँ, तो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि इस सड़क को दिखाया जाए कि कितनी जो है टूटी फूटी ये सड़क है। इस सड़क पे जल जमा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यह कचरा जो है, कूड़ा वह जमा हुआ है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सड़क को दिखाने के बाद यहां जो कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ है, जिसकी साफ़ सफाई कोई व्यवस्था नहीं है, उसको भी दिखाया जाए। ये बताइए, इस वार्ड की क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड में? ये वार्ड में यह सब चीज़ समस्या है। नाली तो, रोड तो नहीं सही है, कीड़ा है, दवाई नहीं डाले आवत ना, मच्छर वाले आवत। ये डेंगू इतना फैला हुआ था, एंटी लार्वा का छिड़काव या धुआं की मशीनें आती हैं? इधर टोलम कुछ नहीं आता। नहीं आती? नहीं। साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पे कोई नहीं? कुछ नहीं है तो तुम्हारे सामने। आप बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की, आप बताइए। समस्या बहुत सारी हैं यहाँ, देखो नाली भी नहीं सफाई होती है और रोड पर वो नहीं होते, और सारा कूड़ा तो इधर उधर आदमी डालबे करी है, तो ना तो यहाँ पर यहाँ कोई सुविधा नहीं है कूड़ा डाले के, ना कोई कूड़ा रखे के लिए कूड़ादान पर है ना कुछ। और क्या समस्याएं हैं? और क्या समस्या, रोड देखो सब बरसात में सब यहाँ सब पानी भर जाती है, कोई निकलने वाला नहीं रह जाते हैं। आप लोगों ने अपनी समस्याएं जो है यहाँ के पार्षद वगैरह से कही होंगी, तो क्या कहा होंगे? हम किसी से नहीं कहने गए हैं। नहीं। अच्छा ये बताइए कि ये पहले वार्ड 2 में था, अब परिसीमन के बाद वार्ड 4 में आ गया है, तो जब बारिशों के मौसम में क्या स्थिति होती है यहाँ की? बारिशों के मौसम में यहाँ सब पानी भर जाते हैं। पानी भर जाते? हाँ, बहुत सारा, यहाँ कोई निकल नहीं पाते। ये बताइए डेंगू के मरीज यहाँ भी है? यहाँ भी डेंगू फैला हुआ पूरा? हाँ, बहुत सारे हाथ पावन से ना कोई चल नहीं पावते है, यहाँ ये गट्टा और गोड़न से ना कोई चल नहीं पाते, इतना यहाँ बुखार है चल रहा है। उसके बाद भी जो है यहाँ पे नगर निगम द्वारा फॉगिंग या फिर पार्षद द्वारा एंटी लार्वा छिड़काव या फॉगिंग मशीनें, धुआं छोड़ने वाली मशीनें नहीं आती? नहीं, कुछ नहीं। क्या कुछ समस्याएं हैं इस वार्ड की हमको बताइए? समस्या का रास्ता नहीं सही है, नाली नहीं सही, सब भर होते हैं, कूड़ा निकालते हैं, उठाते नहीं है। कूड़ा उठाने के लिए कोई नहीं आता है?
निकाल के डाल दे थे, उठाए होते नहीं। ये नालियाँ देखिए हम लोग ने, नालियाँ जो है उधर का उठा ले हैं, उधर उठा ले हैं, क्या उठाए, नहीं आते नहीं आते, निकाल रहे होते हैं, उठाए नहीं आते हैं। और ये बताइए कि फॉगिंग की मशीनें आती हैं छिड़काव करने के लिए, धुआं वगैरह मच्छर के लिए? नहीं नहीं, कोई छिड़काव नहीं हुआ। वो रोड आवत है, वो उधर चले जाते हैं, अंदर तक नहीं आते हैं, ना, नहीं, बार बार निकल जाते हैं। हाँ, बार बार चले जाते। और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ की? और समस्या पानी की समस्या बहुत ही बड़ी है, पानी की समस्या। क्या कुछ समस्या? एक टंकी है, हम अपन जगह दे रहे हैं कि यहाँ सरकारी बोरिंग हो जाए, जगह हम अपन दे, सरकारी बोरिंग हो जाए तो आराम हो जाए हम लोगों का, सब कोई बड़ी जगह हमारा है, पूरा मोहल्ला भर है। वो टंकी बिगड़ गए तो वहाँ चंदा लगा हो जाता है, तो दे थे हम लोग पैसा 20-20 जो भी पड़े पैसा, यानी चंदा लगा के आप लोग अपना काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, पानी यहाँ के पार्षद से कोई आप लोग की सहायता नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रहे, किसी से? जगलाल हैं, हाँ हाँ कर ले हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कहूँ कुछ नहीं होते। हम ईमा जगह दे थे, वो भी हमारी है, देखो हमारी भी है, हम बोरिंग कर दें, जगलाल देखे इनका, वो बोरिंग है वो बोरिंग इकट्ठा हो नहीं पाएगा, कैसे नहीं हो पाई, 50 फुट पर दूरी हो जाता है बोरिंग, करते ही नहीं है। हाँ हाँ, कई बार देख गए। जैसे परिसीमन के बाद ये जो पूरा इलाका है फजुल्लागंज के वार्ड नंबर 4 में चला गया, पहले वार्ड नंबर 2 में था। हाँ, तो आप लोगों ने जब अपनी समस्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कही तो उन्होंने क्या कहा? वो तो यही कहा था यहाँ हो जाएगा और कुछ नहीं होता। कब से कह रहे हैं ये? तो 2 साल से कह रहे हैं। 2 साल से कह रहे हैं। हाँ, कभी आते हैं क्षेत्र में घूमते हैं आप लोग का हाल चाल लेने? जब गए वोट और लिख होते हैं तब यहाँ लड्डू पेड़ा बांट जाए, रसगुल्ला बांट जाए कि हमका वोट दे, तब कहता रहे नेताजी हमारा काम कर दियो, कहना हो जाएगा हो जाएगा, उसके बाद भूल जाते हैं। भूल जाते कुछ नहीं, झांकने भी नहीं, घर का घर तक गए हम लोग। हाँ, तो कुछ करते हैं रसगुल्ला बांटे होते हैं। हाँ, आधा आधा किलो रसगुल्ला हर घर पीछे देते हैं, ये तो बात कहा भाई, वोट लेने के लिए मिठाई खिलाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ सही बात है, चाहे जिससे पूछ लो, घर घर लड्डू रसगुल्ला बांटा थे। समस्या है भाई, यहाँ कोई आता नहीं है, तीसरे चौथे महीने आते हैं साफ सफाई वाले, साफ सफाई वाले बीच में कोई खबर नहीं लेता है। आते भी हैं तो रोड पर नाली पर उठा के डाल जाते हैं, वो सब नाली में ही जाता रहता है कचरा कूड़ा। बस नगर निगम की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए उठाने, नगर निगम की गाड़ी आती है लेकिन कूड़ा नहीं उठाती है, ऐसे ही चली जाती है। हाँ, ये बताइए छिड़काव हुआ है डेंगू के लिए दवाई? कुछ नहीं, छिड़काव कोई नहीं हुआ है, आप गांव में आगे चल के मालूम कर सकते हैं, कोई छिड़काव नहीं हुआ है। ये बताइए परिसीमन के बाद ये वार्ड 4 आते हैं, चौथे तीसरे दिन आते जरूर हैं, लेकिन वो गाड़ी आती है सीधे चली जाती है। अच्छा, अंदर तक नहीं जाती है? कुछ उठाते ही नहीं है गाँव में, कोई कूड़ा कचरा नहीं उठाते हैं। आते किस लिए है? अब पता नहीं किस लिए आते हैं भाई, चक्कर मार के चले जाते हैं। चक्कर मार चले जाते हैं। हाँ, तो ये बताइए कि आपने शिकायत करी इसके लिए? भाई हम कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि हम अपने सामने की नाली खुद स्वयं साफ करते हैं, इस समय हमारा काम चल रहा है तो इसलिए हम नहीं साफ किए, वरना हफ्ते भर में जो है तो हम लोग 2-4 दिन में जो है तो खुद अपने हाथ अपनी नाली साफ कर लेते हैं। नाली आप लोग खुद साफ? बस काम खत्म। कोई सफाई कर्मचारी आता? कोई सफाई कर्मचारी आता है तीसरे चौथे महीने आता है, उसके बाद नहीं। ये बताइए इस वार्ड की जो मेन समस्या है, मुख्य समस्या है जिससे जनता को जो है रोज जो है दो चार होना पड़ता है, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहली समस्या तो यही है हमारी कि ये जो आप सड़क तो देख रहे हैं, साक्षात अपने सामने देख रहे हैं, और दूसरी चीज़ है कि आज नहीं पिछले लगभग 15 साल से तो हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से तो इधर कम से कम 25 साल से इस एरिया को देख रहे हैं, पर किसी भी तरह का चाहे प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जो अपने आसपास के जो क्षेत्रीय जो सभासद होते हैं उनसे भी किसी भी तरह का मतलब कोई सहयोग नहीं किया गया। अब सहयोग नहीं किया गया क्या कारण है उसके पीछे तो वही जाने। फिलहाल जो प्रशासन है उससे मतलब यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे BJP की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा की हो, कांग्रेस हो, कुल मिला के दिक्कतें बहुत हैं। फिर इधर डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इस तरह की वगैरह हुआ था क्या? छिड़काव होता है, अब आपको बताएं कि पूरे साल में कहीं 1 महीने छिड़काव होता है पूरे साल में, तो अब आप खुद ही समझ जाइए कि क्या व्यवस्था है यहाँ पे। अभी पिछले 10 दिनों में कोई गाड़ी उड़ी आई थी डेंगू के लिए लार्वा? नहीं, 10 दिनों में कोई नहीं, हाँ 15 दिन पहले जरूर आई थी। 15 दिन? हाँ 15 दिन पहले जरूर आई थी। वो भी छिड़काव क्या करके जाते हैं, छिड़काव में कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का तेल होता है उसमें, वो जिसको बोलते हैं डीजल, इस समय मिट्टी का तेल तो मिलेगा नहीं, तो डीजल से लोग छिड़क अपना चले जाते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता, जहाँ किसी तरह का कीटनाशक डाला जाता है पानी में, नाली वाली आके थोड़ा सा साफ अप कर गए थे, बाकी किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग खुद यहाँ पे शॉप अप खोल के थे, बच्चे हैं छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, 2-2 स्कूल हैं,
वो आपका प्राइमरी स्कूल है जिसमें बच्चे, समझिए शिशु बच्चे जो होते हैं वो बच्चे पढ़ते हैं, उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। स्कूल के सामने इतना सारा गंदा पानी जमा है, वो भी दोनों स्कूल हैम्बल हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं खुशी इसी चीज़ को। ये जो रास्ता है ये कच्चा रास्ता है? कच्चा रास्ता है। और ये मतलब मोहल्ले में जाता है ये रास्ता वगैरह, तो ये रास्ता कितने दिनों से इसी तरह से पड़ा हुआ है? पिछले 20 साल से। 20 साल से कोई इस पे भी सुनवाई नहीं? नहीं, लोगों के और कॉलोनी बन गई हैं, पर इतने ये जो गोल एरिया आप देख रहे हैं वो मैदान में भी पानी भरा है, वहाँ भी पीछे चले जाइएगा वो थोड़ा सा और आपको पूरा आप देखेंगे तो यहाँ मतलब किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी गतिविधि नहीं है कि मतलब सुधार के नाम पे अगर यहाँ पे मलवाई डलवा के थोड़ा सा दिखे लोगों को, और यहाँ से खोद के ले जाएंगे लोग और दूसरी जगह डाल देंगे, उधर गांव में डाल देंगे, जो सभा क्षेत्र में उधर कर लेंगे, ये सब करवा देंगे, पर इधर का क्षेत्र का कोई भी कार्य नहीं होगा। आपको नहीं होगा, इतने ही एरिया का पता नहीं क्या है, कार्य नहीं होगा। तो परिसीमन के बाद ये वार्ड 4 में चला गया है। अच्छा, तो प्रत्याशी आते होंगे आप लोग के पास वोट के लिए? हाँ, प्रत्याशी आते हैं। नहीं, अभी कोई प्रत्याशी भी नहीं आए, अभी नहीं आ रहे, पर हाँ अभी वोटिंग वगैरह जो है उसके लिए प्रक्रिया चालू है। हाँ, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पे दो दो स्कूल है, उन स्कूलों को दिखाया जाए, छोटे छोटे बच्चे इन स्कूलों में आते हैं। पूरा लाइन जो है वो स्कूल का केंद्र, एक शिक्षा का केंद्र है, जहाँ पे लोग छोटे छोटे बच्चे अपना निकलते हैं। ये स्कूल है, यहाँ पे आमने सामने ही दो स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं। गंदगी इतना है इस क्षेत्र में कि उनको जो है संचारी रोगों लगने का जो है वो खतरा बना रहता है। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया कि ये फजुल्लागंज के वार्ड संख्या 4 की स्थिति है। यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बात किया कि इस क्षेत्र के जो है वर्तमान जो पार्षद हैं वो किसी की सुन नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता की सुन नहीं रहे हैं, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है, प्रशासन पर भी जो आरोप लगाया कि नगर निगम की टीम भी जो है यहाँ पे झांकने नहीं आती है। यहाँ पे कुछ कॉलोनियों में अभी भी जो है रास्ते कच्चे ही हैं, पक्के रास्ते नहीं हुए हैं, यहाँ पे सीवर की कितनी समस्या है, नालियाँ बजबजा रही हैं, हर तरह की तमाम समस्या है जिससे संचारी रोगों के उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है। मैं विवेक शाही, कैमरामैन विजय के साथ प्राइम टीवी लखनऊ। नगर संग्राम में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बार को